वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सीजी बाबा ट्यूटोरियल में। और आज हम देखेंगे लॉगिन फॉर्म जो हमने HTML और CSS के थ्रू बनाया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पे हमने सीजी बाबा ट्यूटोरियल का एक लॉगिन टाइटल दिया है और यहाँ पे हमने यूजर नेम दिया है जो कि यूजर इनपुट करेगा। यहाँ पे हमने ईमेल आईडी दिया है और यहाँ पे मोबाइल नंबर इनपुट करने के लिए कहा है और पासवर्ड, यहाँ पे एक लॉगिन बटन। तो चलिए हम इनपुट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं इनपुट करता हूँ सीजी बाबा ट्यूटोरियल, जी बाबा ईमेल आईडी डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ। तो इसे मैंने बेसिकली लॉगिन कर दिया। तो चलिए दोस्तों इसे हमने कैसे बनाया है इसे देखते हैं हम। तो सबसे पहले आप अपना नोटपैड ओपन कर लीजिए। यहाँ पर मैं अपना नोटपैड ओपन कर लेता हूँ और पहले तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ। तो इस पर जाता हूँ और इसे डिस्क टॉप में सेव करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है, आप अपना एक फोल्डर बना लीजिए और इसी के अंदर इसे सेव कीजिए। तो मैं यहाँ पे लॉगिन का एक फोल्डर बनाया था, तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ देखिए लॉगिन फॉर्म, इसे ओपन करता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ लॉगिन HTML। तो मैं इसे सेव करता हूँ और इसके बाद मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। तो HTML क्या मैंने बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया है। मैं इसका टाइटल देता हूँ लॉगिन फॉर्म। तो यहाँ पे मैंने बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया है। अब मैं बॉडी के अंदर क्या करता हूँ, एक क्लास देता हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा ड्यू क्लास, यहाँ पे ड्यू मैंने ड्यू का टैग ले लिया है। तो मैं ड्यू के अंदर एक क्लास डिफाइन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास और यहाँ पे इसका नेम देता हूँ कंटेनर, क्लास का नाम देता हूँ कंटेनर। तो हम CSS का डिजाइन इसी से करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ और यहाँ पे एक फॉर्म बनाता हूँ। यहाँ पे फॉर्म टैग यूज कर रहा हूँ। मैं फॉर्म के अंदर इनपुट करता हूँ, एक फील्ड टैग लेता हूँ और इसमें देता हूँ यूजर नेम और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। इको पैराग्राफ का है, फील्ड मतलब पैराग्राफ। मैं इसे क्लोज कर इसे सेव करके देखता हूँ और मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर पे, ऐसे रन करके देखता हूँ तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ, एक इनपुट बॉक्स ले लेता हूँ। यहाँ पे इनपुट टाइप ले लेता हूँ, यहाँ पे करता हूँ टेक्स्ट इनपुट कराना है। तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, रिफ्रेश करके देखता हूँ तो यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स आ गया। अब मैं बेसिकली क्या करता हूँ, इसे प्लेस होल्डर दे देता हूँ। यहाँ पे प्लेस होल्डर लिखता हूँ। यहाँ पे क्या कराना चाहता हूँ यूजर से, तो यूजर को नेम यहाँ पे लिखूंगा एंटर योर नेम, यहाँ सेव करता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ एंटर योर नेम आ गया। तो अब मैं ये तो हो गया एक, और मुझे क्या इनपुट कराना है, मुझे एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे मैं ईमेल आईडी देता हूँ, ईमेल आईडी। तो बेसिकली मैं यहाँ पे इनपुट करूँगा इनपुट बॉक्स में, यहाँ पे इनपुट करता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट में और यहाँ पे प्लेस होल्डर देता हूँ इंटर योर ईमेल और यहाँ पे मोबाइल नंबर भी लेना है। यहाँ पे मैं सेव करके देखता हूँ, यहाँ पे रन करके रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर इनपुट कर देता हूँ। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर यहाँ मुझे पी टैग लगाना है, यहाँ पे पी टैग लगा देता हूँ और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स फिर क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इनपुट बॉक्स क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे इनपुट बॉक्स मैं देता हूँ, यहाँ पे हमें नंबर टाइप कराना है तो यहाँ पे मैं देता हूँ नंबर। बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे इन नंबर ही इनपुट होगा, बाकी अदरवाइज टेक्स इनपुट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर दे देता हूँ, इसे प्लेस होल्डर दे देता हूँ। यहाँ पे मैं इंटर योर नंबर। तो बेसिकली मैं इसे रन करके देखता हूँ
रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पे आ गया है इंटरव्यू नंबर। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे नहीं आ रहा है अल्फाबेट, यहाँ पे नंबर टाइप कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे नंबर टाइप हो रहा है। अब बेसिकली मुझे क्या कराना है, इनपुट कराना होगा और यहाँ पे मुझे एक यूजर पासवर्ड इनपुट करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक और फ्री टैग ले रहता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ इसे पासवर्ड। इसे सेव करता हूँ, यहाँ पे रन करके देखता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड आ गया है। अब मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स दूंगा इनपुट। यहाँ पे पासवर्ड देना है तो मुझे पासवर्ड लिखना होगा यहाँ पे, और नेम को खाली छोड़ देता हूँ और यहाँ पे प्लेस होल्डर देने के लिए, हाँ यहाँ पे प्लेस होल्डर दे देता हूँ। तो यहाँ पे इंटीरियर पासवर्ड, इंटर पासवर्ड लिख देता हूँ और मैं इसे सेव कर देता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, क्या गया। अब मुझे एक बटन की जरूरत है तो मैं यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ, फ्री टैग लगाता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ लॉगिन। यहाँ पे फ्री टैग नहीं लगाना है तो बटन ही चाहिए ओनली मुझे। यहाँ पे मैं देता हूँ एक इनपुट और फिर मैं देता हूँ बटन पे, यहाँ पे सबमिट करना है हमें, सबमिट देता हूँ बटन, ऐसे वैल्यू देता हूँ लॉगिन। मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करके देखता हूँ, यहाँ पे लॉगिन आ गया। देखिए लॉगिन बटन आ गया, वैल्यू के काम में लॉगिन जो लिखा है ये लॉगिन वैल्यू से ही आया है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे सभी हो गया। अब क्या करना होगा मुझे, मैं इसे क्या करता हूँ यहाँ पे एक पी देता हूँ, जैसे कि ये नीचे आ जाएगा पैराग्राफ को करता हूँ, देख लेता हूँ ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसे डिजाइन करना है तो मैं CSS यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं CSS का एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ CSS का। तो मैं इसे सेव करता हूँ, प्लस पे जाता हूँ, ऐसे देता हूँ लॉगिन CSS.css, एक्सटेंशन में आपको CSS देना होगा। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है और मैं इन दोनों को कनेक्ट करना चाहता हूँ आपस में। तो मैं यहाँ पे हेड पे जाता हूँ और CSS को HTML में कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखूंगा लिंक रिलेशन स्टाइल से लिखूंगा टाइप टेक्स्ट CSS और एस डायरेक्ट में जो मैंने इसे नाम दिया है उसी को मैं यहाँ पे लिखूंगा। यहाँ पे देता हूँ मैं login.css, सेव करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड देने के लिए एक और डिव ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसे कंटेनर के अंदर एक और डिव ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं डिव के अंदर ले लेता हूँ क्लास का नेम लेता हूँ कंटेनर वन, और मैं एक और डिव ले लेता हूँ इसके नीचे, मैं यहाँ पे दे देता हूँ डिव और इसके अंदर मैं लेता हूँ क्लास और इसका नेम दे देता हूँ कंटेनर टू। मैं इसे सेव कर देता हूँ, यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे। मैं इसे डिजाइन करूँगा बैकग्राउंड डिजाइन करने के लिए। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, कंटेनर वन पे टाइटल दे देता हूँ, टाइटल यहाँ पे मैं एक टाइटल दे देता हूँ, मैं H1 दे देता हूँ और यहाँ पे देता हूँ टाइटल CG बाबा टोरियल। यहाँ पे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ H1 को और मैं एक पैराग्राफ दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक और दे देता हूँ H6 दे देता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू माय CG बाबा टू टोरियल, ठीक है। तो मैं इस चैनल और इसमें पोस्ट कर देता हूँ, इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे रन करके देखता हूँ। एक यहाँ पे CG बाबा ट्यूटोरियल आ गया, वेलकम टू माय CG बाबा ट्यूटोरियल चैनल, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं CSS पे। तो आप इन सभी को डिजाइन करेंगे हम, तो
बेसिकली हम यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले हम कंटेनर को डिजाइन करेंगे। तो हम यहाँ पे कंटेनर का डिजाइन करेंगे, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कंटेनर वन को। तो मैं इसे पहले सीजी बाबा ट्यूटोरियल को मतलब डिजाइन करूँगा इसे पहले। तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ क्लास का नेम को, यहाँ पे कंटेनर वन को कॉपी करता हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं कली पेस्ट लगा देता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर देता हूँ पर्पल। सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेस करके देखता हूँ, यहाँ पे पर्पल कलर हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे कंटेनर को कॉपी करता हूँ। कंटेनर को अब मैं अभी तो बॉक्स बनाऊंगा, तो यहाँ पे मैं कंटेनर कॉपी कर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे डॉट लगाना है क्लास का नेम, जब यहाँ पे सी एस एस पे डालते हैं तो यहाँ पे सामने पे डॉट यूज करते हैं। उसके बाद कली पेस्ट कर मैं इसे वर्क करता हूँ, इसका पोजीशन रख देता हूँ एब्सोल्यूट, और इसका मार्जिंग लेफ्ट कर देता हूँ मैं जैसे 50 पिक्सल, और मार्जिंग टॉप कर देता हूँ 300 पिक्सल, और मैं कर देता हूँ बॉक्स ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट कर देता हूँ -50%, और -50%। अब मैं क्या करता हूँ, और एक देखते हैं बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड यहाँ पे बैकग्राउंड देता हूँ मैं RGB, यहाँ पे देता हूँ 0.5, मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करके देखता हूँ तो बॉक्स आ गए हैं। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्या करता हूँ दिया, और इसको मैं सेव कर देता हूँ बैकग्राउंड रेड्यूस, और मैं इसका विड्थ दे देता हूँ 350 का, और हाइट दे देता हूँ 410 का। सेव करके देखता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या देता हूँ यहाँ पे, और इसका बॉर्डर रेड्यूस कर देता हूँ, बॉर्डर रेड्यूस कर देता हूँ 5 पिक्सल कर देता हूँ सभी तरफ 5 पिक्सल, तो 5 पिक्सल, और 5 पिक्सल। तो करता हूँ यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ, देखिए कोने कोने पे रिड्यूस हो जाएगा 5%, ये देखिए 5 पिक्सल रिड्यूस हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कलर दे देता हूँ, कलर देता हूँ वाइट, सेव करके देखता हूँ क्या प्रभाव पड़ा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे कलर व्हाइट हो गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, हम इसका आउटलाइन कर देता हूँ, आउटलाइन कर्सर कर देता हूँ पॉइंटर, ये करता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, उसे सेंटर पे लाना होगा। तो मैं फॉर्म को कॉपी कर लेता हूँ, तो इस फॉर्म को मैं कॉपी करूँगा तो जो साइड में दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, वो कॉपी होकर जब वो सेंटर में आ जाए। तो मैं इसे क्या करता हूँ, यहाँ पे करते हूँ फॉर्म को यहाँ मार्जिन लेफ्ट कर दिया हूँ, और इस पिक्चर का फॉन्ट फैमिली सब्सक्राइब कर दिया हूँ, मैं सेव कर दिया हूँ। अब आप देखें तो वह सेंटर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं डिजाइन करूँगा बैकग्राउंड इसका, मुझे करना है येलो। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, और मैं यहाँ पे कंटेनर वन पे है, ये देखिए सीजी बाबा ट्यूटोरियल कंटेनर वन में है, डी का यहाँ क्लोज है। कंटेनर वन को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं डॉट लगा के। अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा देता हूँ, तो मैं इसे कंटेनर वन को करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली कंटेनर वन का सारा जो मैंने इनपुट किया है उसे कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ,
पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका पॉइंटर को यहाँ पे देता हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ चेंज, तो मैं कर देता हूँ इसका मॉडलिंग डेप्थ कर देता हूँ 125, और मैं इसका कर देता हूँ मॉडलिंग टॉप को 383। सेव करता हूँ, रिपेयर करके चेक करता हूँ, तो ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसका हाइट भी मुझे कम करना है, इसका विथ कम कर देता हूँ मैं, विथ इसका दे देता हूँ मैं 350 ही रखता हूँ, और हाइट को देता हूँ मैं 60। ये करता हूँ, रिपीट करता हूँ, ये नीचे आ रहा है, तो मैं इसे ऊपर ले जाऊँगा। तो मैं इसे ऊपर ले जाने के लिए क्या करता हूँ, इसे मैं तो मैं क्या करूँगा, तो मॉर्निंग टॉप कर देता हूँ -23। ये करता हूँ, फिर से देता हूँ, देखिए यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो मैं इसका दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, कलर देता हूँ येलो, करता हूँ रिफ्रेश करता हूँ, येलो कलर हो गया। अब मुझे क्या करना है, इस लॉगिन का लॉगिन को डिजाइन करना है। तो मैं लॉगिन को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे HTML पे जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसे कट करता हूँ यहाँ से, क्योंकि तो मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, इसे कट करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, कंटेनर टू पे इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, अगर रिप्लेस करके देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आगे लाओगे अभी फिलहाल। तो मैं इसे अब इसे मतलब मैं डिजाइन करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ कंटेनर टू को, और यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे एक और लेता हूँ कंटेनर टू, पेस्ट करके यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ, कभी तो इसे ओपन कर लेता हूँ। अब मैं बेसिकली इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे के पूरे, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने पेस्ट कर दिया है, ऊपर हो गया, तो मैं इसे कट करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ, ये करता हूँ, ऊपर आया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 383 मॉर्निंग टॉप दे देता हूँ 383, और इसका देता हूँ कलर दे देता हूँ रेड, रिप्लेस करके देखता हूँ कलर अभी चेंज हुआ है। यहाँ पे मैं और क्या करना चाहिए, यहाँ पे इसको हटाना है मुझे, इसका बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ ब्लैक दे देता हूँ, तो कलर देता हूँ ब्लैक, ब्लैक जो करता हूँ ब्लैक हो गया, इसलिए ज़्यादा। अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन को डिजाइन करना है, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे लॉगिन को डिजाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी का इनपुट, तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं बेसिकली, फिर नीचे जाता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ मैं, इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ, तो फिर पेस्ट करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इनपुट टाइप की जगह मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्या दिया हूँ, इनपुट टाइप, मैं क्या करूँगा, नेम, और इसका नेम कहिए, इसको मैं इतना को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे मैं, और इसे करता हूँ पेस्ट, मैं पेस्ट करके सेव करता हूँ, और मैं इसे कोडिंग करता हूँ। यहाँ पे मार्जिन टॉप दे देता हूँ इसका 5 पिक्सल, इसका मैं मार्जिन टॉप देता हूँ मार्जिन 1 पिक्सल, और फिर मार्जिन लेफ्ट देता हूँ, क्या कहता हूँ इसका विड्थ देता हूँ, तो विड्थ देता हूँ मैं
विथ देता हूँ 100 पिक्सल्स, सेव करता हूँ इसे, देखा तो देखिए यहाँ पे आ गया, खड़ा हो गया। अब मैं इसका मार्जिन लेफ्ट कर देता हूँ, देखा तो 110 पिक्सल्स, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करके देखता हूँ, रूम रूम देखिए आ गया यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ देखिए, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ ना, तो देखिए बहुत फास्ट ही टाइप हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ उसको थोड़ा सा साइज को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। तो मैं पेडिंग लेफ्ट करूंगा उसको, यहाँ पे पेडिंग लेफ्ट मैंने -7 किया था, देखिए यहाँ पे सभी पे -7 पेडिंग लेफ्ट -7, तो मैं क्या करता हूँ -4 हटा देता हूँ, -4 यहाँ पे हटाता हूँ, यहाँ पे भी -4 हटा देता हूँ, यहाँ पे भी -4 हटा देता हूँ, तो मैं इसे यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी -4 हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए सही है जगह। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक हवा रिकेट का यूज करना है मुझे, यहाँ पे यहाँ पर जैसे पॉइंटर के यहाँ पे कर्सर के यहाँ पे लेकर जाऊँ इसका बैकग्राउंड चेंज के लिए, तो मैं इसके लिए हवा रिकेट का यूज करूँगा, तो मैं हवा रिकेट का यूज कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मुझे किसका हवा रिकेट करना होगा, कंटेनर का, वन का कंटेनर का हवा रिकेट कर लेता हूँ पहले पहले तो इसका इसका हवा रिकेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे ऐसे करता हूँ, यहाँ पे हवा लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसका दे देता हूँ, मैं दूंगा इसको कंटेनर का हवा दे देता हूँ ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म दे देता हूँ मैं 2.4 सेकंड का, और मैं इसका बॉक्स साइजिंग दे देता हूँ बॉर्डर बॉक्स, और मैं दे देता हूँ इसका बैकग्राउंड, बैकग्राउंड दे देता हूँ RGB, और इसमें दे देता हूँ 0.5 25 और इसे देता हूँ 29 और मैं इसे देता हूँ ये करता हूँ, यहाँ पे चेक करता हूँ जब हूँ गए। अब मुझे क्या करना है इसे करना है, तो मैं कंटेनर वन, मैं कंटेनर वन को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ कंटेनर को कॉपी, तो मैं इसी को बेसिकली इसी कॉपी कर लेता हूँ सभी को, और यहाँ पे क्या करता हूँ पेस्ट, मैं इसे कंटेनर वन कर देता हूँ, सेव करता हूँ, और मैं कंटेनर वन का करता हूँ तो बॉर्डर बॉटम कर देता हूँ, मैं इसका क्या करूँगा, बॉर्डर को बॉटम कर देता हूँ, मैं इसका बॉर्डर तो बॉर्डर बॉटम देता हूँ, इसका मैं बॉर्डर बॉटम देता हूँ इसका 0.5 पिक्सल का, एक पिक्सल सॉलिड वाइट करता हूँ, रिप्लेस करके देखता हूँ, जाता हूँ देखिए बूम गाइस, अब मैं इस लॉगिन पर करता हूँ, यहाँ पे मैं सबमिट बटन का हवा देता हूँ, सबमिट बटन का हवा कितने दूंगा मैं इसका हवा के, मैं कंटेनर टू को डिलीट करे तो कंटेनर टू का हवा कितने चाहिए, यहाँ पे मैं देता हूँ किसका मुझे आज सबमिट का चाहिए, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसका हवा रिपीटर तैयार करता हूँ, तो यहाँ पे हवा पेस्ट करता हूँ इसे, अरे क्या करता हूँ मैं यहाँ पे मैं हवा लिखता हूँ और यहाँ पे हवा करता हूँ, मैं इसे दे देता हूँ ट्रांसफॉर्म 2.4 सेकेंड का, और इसका बॉर्डर रिड्यूस करते हूँ, बस बस
रिड्यूस कर देता हूँ मैं इसका 45 पिक्सल का, 45 पिक्सल 45 पिक्सल 45 पिक्सल 45 पिक्सल। और मैं क्या करता हूँ, कलर देता हूँ इसका व्हाइट, और मैं क्या करता हूँ बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर देता हूँ पर्पल। और क्या करता हूँ मैं आउटलाइन करता हूँ डन, और मैं इसका बॉर्डर भी नहीं कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ इसका कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ, तो करता हूँ रिपीट करके देता हूँ गाइस। अब मुझे क्या यहाँ पे भी और इफेक्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसका भी और इफेक्ट बना लेता हूँ। अब ये बाकी सबका हो गया, इसका बस बचा है यहाँ पे क्लिक करूँगा इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा, तो मैं इसका भी कर लेता हूँ। तो मैं इसके लिए करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ टेक्स्ट का, पहले तो टेक्स्ट कर लेता हूँ, मैं टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं जाता हूँ इसे पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे हार लिख देता हूँ देता हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसमिशन देता हूँ 0.4 सेकेंड का, और मैं हाइट दे देता हूँ 36 का, ये करता हूँ रिप्लेस करके देता हूँ वाइस। इसी प्रकार सभी को मैं दे देता हूँ, मैं इसे पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और इसे पेस्ट कर देता हूँ। मुझे क्या चाहिए यहाँ पेस्ट हो गया, मुझे अब क्या करना है, क्या टेक्स्ट हो गया आप, मुझे एक दो टेक्स्ट हो गया नंबर का, यहाँ पे नंबर का, अभी नंबर पे नहीं हो रहा ना, तो हम नंबर पे करते हैं, यहाँ पे मैं सी एस एस पे नंबर, यहाँ पे नंबर टाइप कर देता हूँ नंबर, और सेव करता हूँ, रिक्वेस्ट करके देखता हूँ, देखते हैं अब नंबर फिल हो रहा है। अब क्या बचा है पासवर्ड का, पासवर्ड का हम पासवर्ड ये, तो यहाँ पे पासवर्ड फिर से कॉपी पर पेस्ट करता हूँ, पासवर्ड फिर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड प्ले करता हूँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, क्या करता हूँ डाउट पासवर्ड सेव करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, देखते बोल गए। तो फिर देखिए गाइस इस तरह से हमने बनाया, तो आई होप गाइस आपको ये पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज गाइस इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।